दोस्तों अगर आप पे भी अगर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए हैं तो आप भी एक करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप भी एक करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो। जिस देश में आप करोड़पति हो उस देश का नाम है ईरान। और दोस्तों चलते हैं अपने करोड़ों के सफर में। इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया की करेंसी भारत से वीक करेंसी है। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम है इंडोनेशियाई रुपया। अच्छा, यहाँ पर भारत के एक रुपए की कीमत 128.11 इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है, समझ गया। अगर आपके पास भारतीय करेंसी का 100 रुपए भी है तो इंडोनेशियाई रुपया में लगभग 18,811 के बराबर होगा। वियतनाम। वियतनाम की भी करेंसी इंडिया की करेंसी से वीक है। अगर आप पे हजारों में रुपए हैं तो आप वियतनाम में लाखों करोड़ों के मालिक होंगे। अच्छा, वियतनाम की करेंसी में भारत का एक रुपए 294.21 वियतनामी डॉक के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास भारतीय करेंसी का 100 रुपए भी है तो ये वियतनाम की करेंसी में 19,421 रुपए के बराबर होगा। तो दोस्तों देर किस बात की, चलते हैं वियतनाम। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ईरान। ईरान की करेंसी भारत से इतनी वीक है कि अगर आप पे 4,000 रुपए भी होंगे तो आप ईरान में करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक रुपए ईरान में 517 ईरानी रियाल के बराबर होता है। ईरान में आप लग्जरी लाइफ आराम से जी सकते हो। यहाँ की ट्रेन की लग्जरी क्लास की टिकट 500-600 भारतीय रुपए में मिल जाती है, जिसमें आपको सारी सुविधा मिलती है। और ईरान में टेम्परेरी मैरिज भी होता है, यानी आपने शादी की और आप 1-2 साल के टाइम पीरियड तक उस लड़की के साथ रह सकते हो, फिर वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। और ईरान में टेम्परेरी मैरिज भी होता है, यानी आपने शादी की और आप 1-2 साल के टाइम पीरियड तक उस लड़की के साथ रह सकते हो। तो देर किस बात की, अभी कटाओ टिकट और पहुंच जाओ ईरान। साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना, और ईरान में मेरी वीडियो को फैला देना। मिलते किसी और अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए।